आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। ग्राम पंचायतों में शासन की विकास प्राथमिकताओं में शामिल योजना की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सचिवों के साथ की बैठक। कहा, मनरेगा के कार्यों सहित अधूरे कार्यों को पूरा करने में लाए तेजी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने कहा, प्रदेश में नवंबर तक कार्ड धारकों को मिलेगा निशुल्क राशन। मई माह में 8,10,000 कार्ड धारकों में वितरित किया गया 35,35,000 किलो निशुल्क राशन। गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने खजनी थाने का किया निरीक्षण। सुनी फरियादियों की फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर करित्तर और राजस्व वसूली संबंधित बैठक। तहसीलदारों एवं अमीनों के साथ संपन्न हुई बैठक, राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। एसपी सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ऑपरेशन 15 व ऑपरेशन तमंचा की समीक्षा बैठक, अभियान को सफल बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना का प्रभाव, बरते सावधानी, कराए वैक्सीनेशन। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस के मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। बैनर, पोस्टर, पंपलेट, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक, जिससे रोकी जा सके दुर्घटनाएं। एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर गुरुवार को जोन के सभी पुलिस लाइन एवं थाना परिसर में लगाया गया बरगद के वृक्ष, जिससे लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ मिल सके छाया। गुरुवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 60 बूथों पर 10,817 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका। सीएमओ ने कहा, नंबर आने पर अवश्य लगवाएं जीत का टीका। मोदनवाल समाज की गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आगे आया श्री श्री कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई मोदनवाल समाज। जिला अध्यक्ष ने कहा, समाज के गरीबों को दिया जाएगा हर संभव मदद। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,122। अब तक 796 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 533 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बजरंग दल और राष्ट्र बंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। शासन के निर्देश पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पुलिस करा रही है नाइट कोरोना कर्फ्यू का पालन। एसपी सिटी ने कहा, कर्फ्यू में जनता का मिल रहा है सहयोग, सफल हो रहा है नाइट कर्फ्यू। और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने किया वट सावित्री व्रत। बरगद के वृक्ष की परिक्रमा एवं पूजा कर कोरोना से भी मुक्ति की प्रार्थना।